भारत माता की। मंच पर विराजित सभी सम्मानित नेतागण, जिला अध्यक्ष जी, सभी हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री जी, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, हमारी परिवार की बहनें, युवक कांग्रेस, सभी मंडल से लेकर सेक्टर तक के कार्यकर्तागण, सेवा दल के कार्यकर्तागण, सम्मानित यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, और सबसे महत्वपूर्ण आपका बेटा, आपके परिवार का साथी, आपके सुख दुख में हमेशा आपकी सेवा में कभी न बिकने वाला, कभी न डगने वाला, कभी न डरने वाला तरवर लोधी, उनके लिए जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथियों, 2014 में चुनाव हुए, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, उनके वादों पे किया, उनके सपनों पे किया, नए भारत, नए इंडिया, अच्छे दिन, वो सब बातें जो नरेंद्र मोदी जी करते थे, देश की जनता को अंतर मन में बसती थी। 2023 के चुनाव हुए, फिर से नरेंद्र मोदी जी की गारंटी आई, उन्होंने किसानों से कहा कि हम 2700 रुपए का आपको दाम देंगे, बहनों को कहा 3000 रुपया आपके खातों में डालेंगे, युवाओं को कहा आपको नौकरी का वादा किया, रोजगार का वादा किया। देशवासियों, हुआ क्या, आप सब उससे, प्रदेशवासियों, दमो वासियों, आप सब उस बात को, उस भावना को समझते हैं। आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जब पेट्रोल था 30 रुपए का, 60 रुपए का वादा था, 30 रुपए का बाबा रामदेव डाडी वाला 35 बताता था, हो गया 110 का। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, जो यूरिया आप खरीदते हो, एक बोरी किसान 50 किलो की थी, 240 रुपए का दाम था, आज 1000 के आसपास हो गई और 40 किलो की हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे एयरपोर्ट पे चले जाओ तो पानी की बॉटल 100 रुपए की, पेट्रोल डीजल 100 रुपए का, मीठा तेल, किचन ऑयल, मूंगफली का तेल 100 रुपए से ऊपर, 100 से नीचे मोदी ने कुछ रहने ही नहीं दिया। हर घर महंगाई की मार है, यातना है। फिर एक वादा लेके आए रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैं समझता हूं रोजगार मिला जयंत पलैया के बेटे को, रोजगार मिला प्रहलाद पटेल के बेटे को, रोजगार मिला लाखन जी के बेटे को, रोजगार मिला यहां के तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको। पर बताओ, यहां से दबो की जनता पलायन क्यों करती है, इनको रोजगार क्यों नहीं मिला? मोदी जी, बीजेपी के लोग, प्रहलाद पटेल, ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? फिर नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने कहा था, स्विस बैंक काला धन 15 लाख, याद है आप लोगों को? एक शब्द नहीं है उस पे, कांग्रेस का एक भी नेता जेल की सलाखों के बाहर नहीं दिखेगा। स्विस बैंक में सब उनके ही पैसे हैं, खासकर गांधी परिवार के, सबको मुफ्त में 15 लाख आएंगे। देश के लोगों ने सोचा इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लगातार कांग्रेस की सरकार 60 साल तक रही, हम बदल के देखते हैं। स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, SBI की लिस्ट आ गई। जो काला धन था भारतीय जनता पार्टी के खातों में निकला। देशवासियों, दमोवासियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब 2700 के दाम की बात थी तो क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? 3100 रुपए धान की बात थी तो क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? जब सवाल था कि 3000 बहनों को हम देंगे चुनाव बाद, हर महीने 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना, बड़ा पांडाल सजाना, कार्डलेस हाथ में लेना, ऐसे मंच के साथ सामने वाला एक रैंप बनाना और शिवराज जी भागवत भाषण देना और फिर उसमें कहना, बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, जब सरकार बदलेगी तो 3000 दूंगा। सरकार बदली, बीजेपी जीती, बहनों ने साथ दिया, शिवराज जी भी प्रफुल्लित थे, 5 मुख्यमंत्री के दावेदार बना दिए, 5, एक प्रहलाद पटेल, लोधी समाज के लोगों से कहा बीजेपी को वोट दो, हम प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रहलाद पटेल को बड़े मंत्री से छोटा मंत्री बना दिया, सही है कि गलत? जब हमने नरेंद्र तोमर जी को कहा देश के कृषि मंत्री,
अध्यक्ष बना दिया, सही है कि गलत? फिर शिवराज जी को किरार समाज को कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसा अलग अलग चार पांच मुख्यमंत्री बना दिए। फिर हमने सवाल किया कि आपने मुख्यमंत्री इनको बनाया, तो हमें जवाब आया ये तो हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, राजनीतिक चातुर्य था, ये राजनीतिक चातुर्य नहीं था, ये लोधी समाज के साथ धोखा था, धोखा फ्रॉड था, करप्शन था। साथियों बात इतनी है कि आपको चुनना है ईमानदार, परचम किसी ने सही मायने में लहराया तो उस खुले मन से मैं कहता हूं कोई गुराज नहीं है। उमा भारती जी की उसमें महती भूमिका थी, आज उन्होंने स्टार प्रचारक बनाने लायक नहीं समझा उनको, ये सवाल है या नहीं है? जैसा मैंने कहा प्रहलाद पटेल साहब, इनको मुख्यमंत्री बनाना था, देश के मंत्री से खींच के ला दिया इस मंत्री पद से, पर सवाल ये भी है इसके साथ कि जिस तरीके से देश के सामने सपने और सब्जवाद दिखाए देश की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं मानता हूं आप सर्वविदित हैं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इनका फॉर्म भरना है, पर मेरे पांच सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रहलाद पटेल जी से। आप यहां 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से आपका सांसद है ज्यादा से, पर 10 साल से आप ही हो एक तरफ, 10 साल से बीजेपी की देश में सरकार है, दमों को क्या मिला? दमों को आपने एक, मैं अखबारों में पढ़ता था सुनता था, बेलाताल सफाई अभियान हो गया होगा, अरे हो गया होगा। प्रहलाद पटेल जी क्यों नहीं हुआ 10 साल में आपसे, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हुआ 10 साल में? पत्रकार बंधु ये मेरे पांच सवाल है, पूछना उनसे आप। और मैं दमोह की जनता से भी आग्रह करता हूं, आप भी इस बात का विचार करना कि आपके बेटे पलायन क्यों करते हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं है, और प्रहलाद पटेल जयंत मलैया लाखन सिंह के बेटों को रोजगार क्यों मिल गया, सवाल है या नहीं है? जब आपके बेटों को, नेताओं के बेटों को रोजगार मिला है तो यहां की जनता के बच्चों के रोजगार का क्या होगा? दूसरा सवाल, तीसरा, किसानों को आपने 2700 रुपए धान की बात की थी गेहूं के, 3100 धान के बाद दाम की बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी, आप चुनाव में गए, आप मंत्री हो सरकार के, सवाल बनता है बिना दिए वोट क्यों, आपको वोट क्यों देना चाहिए? अभी 3 महीने पहले आपने इस बात के वोट लिए और दिए नहीं, तो फिर वोट मिलना चाहिए क्या उनको? चौथा सवाल, जैसा मैंने कहा एक है टिकाऊ एक है बिकाऊ, प्रहलाद पटेल जी सवाल है मेरा आपसे, एक है टिकाऊ एक है बिकाऊ, एक है लोधी एक है लोभी। पटेल साहब आपको बताना पड़ेगा कि आप लोभी को चुनोगे कि लोधी को चुनोगे, आप टिकाऊ को चुनोगे कि बिकाऊ को चुनोगे, सवाल है। और ये सवाल आज पूरे दमोह संसदीय क्षेत्र की जनता भी पूछे। पांचवा सवाल, क्या कारण है कि इतने साल तक भारतीय जनता पार्टियां राज में है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाषण भी प्रहलाद पटेल और बीजेपी के लोग अच्छे अच्छे देते हैं, हमसे अच्छे देते हैं, बातें तो लच्छेदार ऐसी करेंगे कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, पर सवाल यह है कि रेलवे की एक भी सुविधा दमोह संसदीय क्षेत्र को आप क्यों नहीं दिलवा पाए, सही है कि गलत? अरे बोल के बताओ सही है कि गलत? ये पांच सवाल है पत्रकार बंधु, ये उनसे पूछना। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बहनों के साथ बीजेपी न्याय नहीं कर सकती, हम पांच न्याय के सिद्धांत पर विचार पर एक एक नया विजन के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है। युवाओं को रोजगार नहीं है तो प्रत्येक ग्रेजुएट युवा जिसने फाइनल कर लिया, पढ़ा लिखा है, माँ बाप ने पेट काट काट कर उसको पढ़ा लिखाया, उसके पास नौकरी नहीं है, 30 लाख पक्की नौकरी पहले साल कांग्रेस पार्टी देगी, 8500 रुपया
पैसों को 3000 की बात बीजेपी ने की थी, हमारी सरकार आएगी तो 8500 रुपया। भाभी ओ माताजी, आप इधर इधर मेरे तरफ देखो, आपको कह रहा हूं, हाथ ऊंचा करो, ये 8500 रुपया पर महीने हर जात की, किसी भी वर्ग की गरीब बहन कांग्रेस का पंजा जीता तो आपके खाते में 8500 रुपया तरवर लोधी को सांसद बनाने पे मिलेंगे। साथियों, किसान भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपकी फसल की कीमत गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। 3000 गेहूं का दाम और 3100 धान का दाम, गारंटेड कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी वचन के साथ करेगी। साथियों, महंगाई अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसमें आपकी सरकार बने, पहले जब सरकारें बजट इकट्ठा करती थी, खजाना भरता था, तो देश के उद्योगपतियों से टैक्स लिया जाता था। अब जब सरकार चलती है तो ये पत्रकार बंधु ने जो शर्ट खरीदा है इस पे 18% जीएसटी दी है। जो हम रोज खाना खाते हैं वो अगर 2000 का खर्चा रोज होता है तो 18 × 36 रुपए आपसे रोज कटता है। नीनी 100 रुपए का खाना खाते हैं तो 18% जीएसटी हमारे रोज खाने में से जाती है। गरीब जो मजदूरी करता है, जो रोज बोझा उठाता है, जो खेत में मजदूरी करता है, अगर उसने भी बाजार से कोई चीज खरीदी है और फिर उसका उपयोग किया है तो उसकी जीएसटी उसने दी है। यानी आज देश का खजाना गरीब भरता है। इसलिए आपके पैसे पे सबसे पहला हाथ एसटी ओबीसी और अपर कास्ट के गरीब का है, ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। जो बजट बनेगा, जो सुविधाएं मिलेगी, जो संसाधन देश के हैं, उस पे अधिकार गरीब का है, पहले किसान का है, पहले एसटी ओबीसी और अपर कास्ट के गरीब का है। ये भावना कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, फिर से ये चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। ये चुनाव हम सब ब्लॉक अध्यक्ष, सारे सेक्टर अध्यक्ष, सारे हमारे विधायक के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी नेतागण, हमारी बहने, जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है वो लड़ सकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, देश का लोकतंत्र बचाना है। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, बीजेपी के यहाँ के नेता कहते हैं इस बार 29 का लक्ष्य है हमारा। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है अनंत हेगड़े कि जैसे ही 400 की सीट मिली तो हम संविधान बदल देंगे। मूल भावना को समझो, खासकर वो परिवार के साथी जो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान से प्यार करते, ये संविधान बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर चुनाव में आपका वोट देने का अधिकार नहीं बचे। इसलिए कि आप सवाल नहीं कर सको, इसलिए कि आप मंच नहीं सजा सको, इसलिए कि पत्रकार अपनी बात नहीं कह सके, देश में ताराशाही कैसे हो, इसके लिए इनको 400 सीटें चाहिए। क्या दमोह की जनता 400 सीटों में अपना योगदान देगी? नहीं देगी। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ये चुनाव आप सबका है। सबने मिलकर तरवर का नाम दिया, एक एक से मैंने 20-20 बार बात की, सबको भोपाल बुलाया, सबसे अलग अलग बात की। ये सब परेशान हो गए थे मुझसे बात कर करके, ये कहते थे यार कैसा अध्यक्ष बना, एक व्यक्ति के चयन के लिए 5-5 बार बात करता है। तब लोग तरवर का नाम आया है, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास ईमानदारी है, बिका नहीं। वो एक तरफ बिका एक व्यक्ति जिसने 50 करोड़ रुपए नगद दिए थे। ये आपका बेटा है, आपका भाई, आपके परिवार का साथी है, एक एक परिवार का साथी तरवर लोधी के रूप में चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे। इसके बाद आप सभी से अनुरोध है कि हम सब हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नामांकन रैली में शामिल होने के लिए जाएंगे और जोश के साथ हमारे प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। आज जिस तरीके से किसान परेशान है, जिस तरीके से
महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप हम सभी लोग देखते रहते हैं, पेपर में करते हैं, आए दिन किसी महिला किसी बहन या बेटी पर अत्याचार होता रहता है, पर हम पेपर में पढ़ लेते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति है और किसके शासन में है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। बड़े बड़े शब्दों में ट्रक पर दीवालों पर लिखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्हीं स्कूलों की बाउंड्रियों पर जहां लिखा होता है कि बेटी बचाओ, वहीं बगल में बेटियों के बलात्कार होते हैं। पेपरों में आपने पढ़ा होगा और आपने सुना भी होगा। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे अत्याचार अत्याचार के शिकार भी है, अगर शिकार नहीं है तो वो गवाह। क्या हम आप लोग गवाह नहीं है? आज हम हर तरीके से देख रहे हैं, किसान लाइट के लिए परेशान हो रहा है। जिस समय किसान को आवश्यकता होती है कि हमें लाइट चाहिए, समय से लाइट नहीं मिलती। जब खाद का समय आता है तो किसान को लाइन में लगा हुआ रहना पड़ता है, कहीं पन्ना जाना पड़ता है, कहीं उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है खाद लेने के लिए, उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जब उनको खेती का समय आता तो डीजल महंगा किया जाता है। हर तरीके से यदि कोई पार्टी परेशान कर रही है जनता को तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए वो कहते हैं, अभी बात आई है, वो कहते हैं, वैसे मैं तो नहीं कहना चाहती थी लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि रामलला हमारे हैं। इस सृष्टि में उनको क्या ये पता नहीं है कि रामचरितमानस में भी लिखा है कि सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पत होई। राम जी किसी के नहीं है, राम जी सभी के हैं। इस सृष्टि पर अंडस पंडस सूरज उगवे जलचर थलचर नवचर जितने भी जीव हैं, समस्त प्राणियों के सभी जीवों के प्रभु श्री राम हैं। कैसा कैसे कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभु श्री राम हो सकते हैं? हमारे भी प्रभु श्री राम है और हम जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान प्रभु श्री राम हमारे हैं। आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हम लोग दान देते हैं, हमारे माता पिता दान करते आए हैं, मैंने देखा है, बेटी का कन्या दान करते हैं, गौ दान करते हैं, कोई नेत्र दान करते हैं, कई प्रकार के दान आप लोग हम लोग करते आए हैं। एक दान और हमें करना है और वो दान किस लिए करना है? किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि दीन दान दान दीन को दीजिए मिटे गर्व की पील, औषधिता को दीजिए जाके रोग शरीर। ऐसा काम हमें करना है जो हमारे योग्य हो, जो हमारे लायक हो, जिसके दान करने से हमारा भी गौरव बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े। और हमें कांग्रेस पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी दिया है जिसका नाम ही तरवर है, जिसका नाम है तरवर। और तरवर का मतलब होता है वृक्ष, और वृक्ष कभी फल नहीं खाता, केवल दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए रहता है। बोलो सही बात है कि नहीं? वृक्ष की जब छाया होती है तो केवल दूसरों के लिए होती है, वृक्ष जीवन पर्यंत दूसरों के लिए रहता है। और मैंने ये कला और ये स्वभाव और एक प्रभाव अपने बड़े भैया तरवर सिंह लोधी जी में देखा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, मैं समस्त यहाँ पर लोधी समाज के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों को जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा है, एक तरफ टिकाऊ और एक तरफ दिखाऊ। हमारे बड़े भैया तरवर सिंह जी लोधी उस समय भी नहीं दिखे, इतनी बड़ी विषम परिस्थिति में उनको कितने बड़े बड़े ऑफर आए, लेकिन वो उन्होंने बिकने का काम नहीं टिकने का काम किया है और लोधी समाज को गोलक प्रदान करने का काम किया है। ऐसे हमारे तरवर भैया है। मैं पूछना चाहती हूँ, इस संसार में धन माया कुछ भी नहीं रहता, जिस दिन हम जाते हैं केवल नाम रह जाता है, अपनी आन रह जाती है, अपनी शान रह जाती है, और आन बान शान की रक्षा करने वाले एकमात्र हमारे बड़े भैया तरवर सिंह लोधी जी थे, जो नहीं बिके। और एक ऐसा बिकाऊ था जो मुझे 5 दिन पहले, मेरे टिकट होने के 5 दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कह रहा था कि मैं बिकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी जब पीढ़ी जन्म लेगी, मेरे नाती पोता होंगे, तो वो मुझे कहेंगे
मेरे बच्चों से कहेंगे कि उसी गद्दार के नाती पोता है, मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। 5 मिनट बाद चला गया। ऐसे आदमी का क्या भरोसा है? बोले सबने सुना मीडिया में कि नहीं सुना, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, आदरणीय भैया जी, हमारे जीतू भैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से देना चाहूंगी। आपने हमारे तरवर भैया को टिकट देकर हम लोगों की कम से कम ज्यादा नहीं तो 20% मेहनत कम कर दी है। मैं सही कह रही हूँ? जब तक टिकट नहीं हुआ था तब तक लग रहा था क्या है, लेकिन जिस दिन से भैया का टिकट हुआ माहौल अपने आप चेंज होने लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता सही व्यक्तित्व चाहती है, सही सरकार चाहती है, सब कुछ सही चाहती है, बस भैया आपका साथ चाहिए। सभी कार्यकर्ता आपके साथ है और आप लोग हौसला बुलंद रखिए। मैं आपको वचन देती हूँ, बड़ा मलहरा में, हमारे यहाँ पर बड़ा मलहरा के हमारे प्रतिष्ठित हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी अपने जी जान लगा करके आपकी बेटी को आपकी बहन को जिता करके आप लोगों के बीच में खड़ा कर दिया है, भैया जी आप तक भेजा है। और ये आप हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा के यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो मेरे हृदय, मैं उनको हृदय से धन्यवाद तो करना चाहूंगी पर वो मेरे हृदय ही हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की। और जब अभी मीटिंग हुई तो मीटिंग में कह रहे थे दीदी चिंता नहीं करो, 8 विधानसभा में अपन चलेंगे और तरकीब से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमें ये चुनाव कैसे लड़ना है जैसे विधानसभा का लड़ा था उसी तरीके से हमें मेहनत करनी है। अब मेहनत करिए, हम चुनाव जरूर जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है, सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया, तब किसी फकीर ने कहा यारो कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही का वही है, केवल कफन बदल गया। हम आप लोगों को अपने विचारों को परिवर्तित करना है, और यदि हम लग गए ताकत से हमें लगना है, और अपने भैया को जब 26 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है। और मैं भैया जीतू भैया मैं कहना चाहूंगी, एक दिन और कहा था मैंने आपसे कि हम तो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं, जहां जहां हमारा हमें अपनी तरफ से उपयोग समझ में आएगा कि हम यहाँ काम ज्यादा आएंगे वहां तो हम जाएंगे ही, और जहां आपको लगे कि यहाँ जाना चाहिए मैं वहां भी जाऊंगी, और सबके साथ मिलकर के। तो मैं अंतिम बात, मुझे एक बार सभी लोग हाथ ऊपर खड़ा करके बताएं कि क्या आपने तरवर भैया को टिकट मिला ये बहुत अच्छा लगा सबको कि नहीं? तालियों की गड़गड़ाहट से बताएं कि बहुत अच्छा लगा। अब ईमानदारी से यहाँ से संकल्प लेने का लिए हाथ खड़ा करो कि हम सभी लोग इतने कार्यकर्ता हैं भैया को जिता करके लाएंगे, अब मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे। अब भैया जी आपको वचन देते हैं कि मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे, हमारे सभी कार्यकर्ता एक हैं, एक होकर के हम लोग काम करेंगे। और मैंने बड़ा मलहरा में भैया को विजय का तिलक लगा दिया था कि मेरी तरफ से आपकी विजय है, मेरी तरफ से मैंने विजय का तिलक लगा दिया था, तो मुझे निश्चित ही भरोसा है कि आप सभी लोग उस विजय के तिलक के लिए अपना पूरा समय 26-26 तारीख तक पूरा समय आप उस लोकसभा सीट में देंगे, सभी रिश्तेदारियों में देंगे, सभी जगह देंगे, और अपना अपना फॉर्म करना शुरू कर दो। बस मुझे यही विनती करनी थी, बोलने का अवसर दिया, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे अनुरोध करूंगा हम सबके मार्गदर्शक और पूर्व मंत्री सम्मानी हर्ष भैया से कि वो भी आकर हमें अपना उद्बोधन दे। सम्मानी हर्ष भैया बोले, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, हम सबके चहेते नेता जीतू पटवारी जी, मंचा सिंह, सभी हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्रीगण,
पूर्व विधायकगण विधानसभा में विधानसभा प्रत्याशी रहे सभी हमारे साथीगण मंचासीन प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण जिले के पदाधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण सामने जो बैठी जनता जनार्दन जो इस चलाती धूप में सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ सम्मान पूर्वक पधारी है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है ज्ञापन धन्यवाद ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करने के बारे में बताया ज्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है मगर एक बार जरूर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि लगातार इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित होकर गए मगर दमोह संसदीय क्षेत्र के लिए आपके सांसद ने क्या दिया आपके सांसद ने आपके विकास के लिए कौन सी सौगातें दी केंद्र में मंत्री भी रहे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे ये बात जरूर हमें सोचने की आवश्यकता है। एक ऐसा नेता एक ऐसी पार्टी जो गांव गरीब किसान की बात करने वाली पार्टी उसने किसान पुत्र एक ऐसे सीधे साधे सच्चे व्यक्ति को जो कभी जन सरपंच रहा करता था जिला पंचायत सदस्य हुआ करता था मध्य प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम किया और ऐसे व्यक्ति को ईमानदार की पराकाष्ठा सरकार को करना चाहिए। तो ऐसा ना सुनते हुए इस बात को ना मानते हुए सरकार ने इन्हें विधानसभा से निष्कासित कर दिया था विधानसभा से इनको बाहर कर दिया था। मेरे किसान भाइयों ये किसान विरोधी सरकार है और मोदी जी हम कांग्रेसियों से हम लोगों से कांग्रेसियों से 70 साल का हिसाब पूछते हैं 70 साल का हिसाब मोदी जी हम बताते हैं आपको इस मंच से 70 साल पहले देश इसके पहले देश जब गुलाम था महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई देश आजाद हुआ कांग्रेस के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी देश आजाद हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने जब देश के अंदर केवल 4 लड़ाकू विमान थे कुल 25 डब्बा फोन थे और उस समय देश गुलामी की जंजीरें काट के बाहर आया था देश की अर्थव्यवस्था चौपट थी उस देश उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संभालने की कोशिश की और देश में उद्योग क्रांति लाकर उद्योग लगाने का प्रयास किया उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री बने तब देश के अंदर इतना अन्न नहीं होता था। हम सब लोग जब स्कूलों में पढ़ते थे यहाँ पुराने लोग बैठे हैं आप सबको पता होगा देश में लाल गेहूं अमेरिका से आता था और इस देश के लोगों ने वह गेहूं खाया है। शुक्रवार के दिन आधे दिन व्रत रखा जाता था देश के अंदर इतनी उपज नहीं थी और फिर उसके बाद देश के अंदर जब इतनी उपज नहीं थी जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने और देश के किसानों ने भंडारों को भर दिया गोदामों को भर दिया इतना अन्न पैदा किया कि आज देश खुशहाल है और हम अन्न को बाहर भी भेज रहे हैं। और जब देश का किसान यूरिया लेने जाता है अपने गेहूं की उपज की बात करने जाता है तो उसके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं लाठियां बरसाई जाती हैं। ये हमसे 70 साल का इतिहास पूछते हैं। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में देश की नेता हमारी सबकी नेता प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी ने राजाओं महाराजाओं के पूर्वी पर समाप्त किए इंदिरा गांधी ने किसानों के लिए गरीब जनता के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों के द्वार खोल दिए और फिर इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ उनकी छाती को गोलियों से छलनी कर दिया गया नाथूराम गोडसे जैसों ने जिसे आज भाजपा पूछती है जिसकी जयंती मनाती है ये वह लोग हैं। इसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हम
हमारे नेता राजीव गांधी जी के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। कंप्यूटर युग आया और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव गांधी जी ने ही रामलला का ताला खुलवाया था और आज ये उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे अपने भाजपाओं से कहो प्रभु राम जानकी बैठे हैं हम लोगों के सीने में, तुम सब नकली काम कर रहे हो। इशारा हो रहा है भाषण को समाप्त करने का, फिर कभी अवसर मिलेगा बहुत सजेंगे अभी मंच, आज को जल्दी है हम और आप फिर से बैठेंगे। मुझे बोलने का अवसर दिया जिला कांग्रेस कमेटी को, मैं इस बात को लेकर धन्यवाद देता हूँ। हमारे इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई योगेंद्र कुशवाहा जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो आकर अपनी बात रखें संक्षिप्त में। और मेरा अनुरोध है कि समय हो रहा है 2 बज गए हैं, समय की सीमा को हम निर्धारित करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन के हमारे साथी दमोह लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बड़े भाई श्री तरवरस हैं लोधी जी के समर्थन में आए सभी मेरे युवा साथी कार्यकर्ता वरिष्ठगण, आप सभी को योगेंद्र कुशवाहा आपके चरण में नमन करता है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी, बड़े भाई पूर्व मंत्री श्री हर्ष यादव जी, दमोह विधानसभा के पूर्व विधायक श्री अजय कुमार टंडन जी, पथरिया से श्री ब्रजेंद्र राव जी, हटा से प्रदीप खटीक जी और हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथीगण, आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं। साथियों आज पूरे देश में लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में अगर आपने समझदारी से वोट नहीं किया तो हो सकता है ये चुनाव आखिरी भी हो। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अगर आप लोकतंत्र को मानते हैं और आप चाहते हैं कि भारत देश में बाबा साहब का संविधान बचा रहे तो आपको कांग्रेस पार्टी के समर्थक प्रत्याशियों को जताना होगा, आपको इंडिया गठबंधन को जताना होगा। आज पूरे देश में बेरोजगारी छाई हुई है, युवा परेशान है, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, किसान मजदूर पूरा परेशान है। अगर आप चाहते हो कि हमारे देश का युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके, उसको रोजगार मिल सके और यह देश पूंजीपतियों का गुलाम ना बने, इसके लिए आपको इंडिया गठबंधन के लिए वोट करना होगा। आपकी एक वोट आपके बच्चे के भविष्य को बचा सकती है, आपकी एक वोट रोजगार दिला सकती है, आपकी एक वोट से किसान सुरक्षित हो सकता है, आपकी एक वोट से आपकी महिला आपकी बेटी सुरक्षित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ, तो किससे बचाओ? केंद्र में तुम बैठे हो, राज्य में तुम बैठे हो और सबसे ज्यादा हमारी बेटियां हमारी बहनें आज सुरक्षित हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से दो प्रत्याशी हैं, दोनों लोधी समाज से हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो अंतर क्या है? एक लोभी है तो एक लोधी है। आपको यह पहचान करनी होगी टिकाऊ और टिकाऊ में यह चुनाव होने वाला है, तो आप टिकाऊ को पसंद करेंगे कि टिकाऊ को पसंद करेंगे? तो ये
सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं निवेदन करता हूं बाबा साहब के वंशजों से, आपको अपना संविधान बचाना है तो आपको इंडिया गठबंधन को जिताना होगा, हमारे तरवर भैया को जिताना होगा। और मैं अपनी कुशवाहा समाज से निवेदन करता हूं कि हे मेरे कुशवाहा समाज के साथियों, जब आपके ऊपर अत्याचार होता है तो कौन काम आता है। कुछ समय पूर्व में जिला पंचायत चुनाव हुए थे तो उन्हीं का भाई बैभव सिंह लोधी जी ने कुशवाहा समाज की दुकानें नहीं लगने दी थी। जो आज राहुल सिंह के साथ में प्रचार कर रहे हैं तो क्या राहुल सिंह उस दिन आए थे आपके साथ खड़े होने, आपके सम्मान को बचाने के लिए आए थे? नहीं आए थे। तो मैं निवेदन करता हूं पुनः आपसे कि हमारे तरवर भैया के लिए भारी मतों से विजय बनाना है और लोकतंत्र को बचाना है। चूंकि समय कम है, मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसका समय और कभी आएगा। पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आप सबको आना होगा, शिक्षा सत्र रोजगार के लिए आपको आगे आना होगा। एक मिनट में और एक बात कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तुम कौन होते हो श्री राम को लाने वाले? रामचंद्र जी तो हम सबको लाए हैं। ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग ये धर्म हितैषी नहीं हो सकते, ये सबसे ज्यादा धर्म विरोधी लोग हैं। और इन धर्म विरोधी लोगों को वो जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं इनको सत्ता से दूर करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः जय क्रांति, जय सम्राट अशोक, जय बाबा साहब, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी अमर रहे, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको क्या करना है और कैसे करना है, ये जितने लोग यहां बैठे हैं इनके किसी की हैसियत और औकात नहीं के जो तुम जानते हो। ये हम आपकी हैसियत जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, हम लोगों की कोई औकात नहीं, जो तुम जानते हो वो हम नहीं जानते। और ये भी मैं मानता हूं हर जंग कार्यकर्ता जीतता है और जिताता है, और माला पहनता है इस मंच पर बैठी हुई शख्सियतें, जिस दिन ये चीज कम हो जाएगी ना उस दिन भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो इसके नेता इस मंच पर बैठा हुआ एक भी नेता नहीं जानता उनको, एक भी। हम तो जिंदगी के हसीन साल गुजार रहे हैं उनके साथ, उनसे ज्यादा धन्य वाला कोई नेता इस मुल्क में किसी राजनीतिक जमात का नहीं। जिंदगी में 9 जेल यात्राएं की है मैं। ये मुकेश जी आए थे मिलने तो बोला भाई का जमानत हो जाएगा, अरे मैंने आज हो 6 महीना बाद हो 6 साल बाद हो 66 साल बाद हो, हम तो जिस पार्टी से आए कुशवाहा जी मुलायम सिंह और हम एक खटिया पर बैठ के खाना खाए और जंग लड़े, ये तो नंबर एक का माफीखोर खेल चलता है यहां। आपातकाल का दौर का निकालोगे रिकॉर्ड तो पता चल जाएगा। जीतू भाई आप बोलो इनको बताओ और आप भी गारंटी मांगो कि जंग जीतने के बाद कार्यकर्ता का सम्मान और इज्जत यदि तुम रखोगे तो भगत भाई साहब की धरती से आने वाले तरवर, ये धरती भी दमोह जिले की है जहां जब दास ने 18-20 लोगों के साथ फांसी का फंदा चूमा था, जिसमें 8 महीना का 8 साल का 9 साल का बच्चा भी चूमा था। और जो तरवर के सामने लड़ रहा हो अब उसके लिए कथा सुना रहे हम 6 घंटा से, बिक गया फलाना हो गया ढिकाना हो गया ये सब जानता हो, वैसे आग जनता जानती। आप तो गारंटी लो ये जंग में खून बहाने वाली जमात बैठी है, कार्यकर्ता हर युद्ध जीतता है और माला पहनता है नेता और कार्यकर्ता चला जाता है घर।
ये जिस दिन संस्कृति खत्म हो जाएगी उस दिन हिंदुस्तान की जनता तो राहुल गांधी को अपना हीरो मान चुकी है और मान रही है, वो तो आने वाला है ही। और आज हमारा इंडिया गठबंधन में जो लालू है, अखिलेश है और तमाम साथी हैं, वो तो आ ही चुके हैं। जंग की लड़ाई की रणनीति तय करना होगी और हमें और आपके बीच में रिश्ता कायम करना होगा, बाप और बेटे का, मालिक और नौकर का नहीं। जिस दिन कार्यकर्ता और नेता का रिश्ता भाई का रिश्ता हो जाता है, वो जंग कभी नहीं हारी जाती। इन शब्दों के साथ मैं उन तमाम लोगों के लिए इंकलाबी सलाम करता हूं जिस मुल्क में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिए गए हैं मुसलमान भाई। मैं उन लोगों के लिए इंकलाबी सलाम करता हूं जिनका संविधान बदल करके उन्हें फिर सूत्रों की जगह पर भेजा जाने वाला है। मैं उन्हें सलाम करता हूं जिन पिछड़ों की आज आप बात करते हो, पिछड़ों पारे स्वामी साहब, ये नारा डॉक्टर लोहिया ने दिया था इस मुल्क की राजनीति के अंदर 65 में 57 में। आज जो जिंदा होकर खड़ा है और आज सारी जमात जिस पिछड़े के साथ खड़ी हो, राहुल गांधी बोल रहे हैं जाति आधारित जनगणना की, उन तमाम चीजों पर नहीं जाना चाहूंगा। रिश्ता जिस दिन कनेक्ट कर लगो जीतू भाई, वर्कर और लीडर का, वो जंग कभी नहीं हारता। जंग नोटो फोटो से कोई नहीं लड़ता, नोटो फोटो से तो जो लड़ते हैं जमातें अलग होती, उसको तो लते आते जुतवाने का काम करने वाले लोग हैं हम। जंग लड़ी जाती है दिल से और दिमाग के साथ, मोहब्बत की। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सिजदा करता हूं, मुकेश आपका सिजदा करता हूं, प्रताप आपका सिजदा करता हूं और तमाम मंच पर बैठे हुए उन लोगों का सिजदा करता हूं कि अब लड़ाई सत्ता की नहीं है, अब लड़ाई है सामाजिक बराबरी की और उन मूल्यों की, जिन मूल्यों के आधार पर मुल्क बचेगा। उन तमाम चीजों को बाद में डिस्कस कर लेना। इनके विश्वास की 4-14 लाइन है, आप बोल दो 4-14 लाइन बोल दो, हम तो शायद 18 बोल गए होंगे। तो जंग में तय होगा, बाकी कथा पढ़त रहो कि रामचंद्र जी कोले आए थे, कृष्ण जी को कोले आए थे, अरे बेसखों लाए थे उनकी कथा पढ़ रहे दद्दारों। अरे कथा जा पढ़ो कि तुम्हारे लुगाई के बहू के पेट में जो बच्चा हमने है, उसकी शिक्षा को का हुई है, उसकी स्वतंत्रता को का हुई है, भूल जाओ। और जो नोट वोट कमाए रखे हो चले जाओ मंच पे से, और जिनके अंदरूनी रिश्ते में भी चले जाओ, बहुत से चले भी गए, नीचे ऊपर सबसे जाओ। यहाँ का रिश्ता तो बाहर है और जेल के अंदर है, ये तय कर लो सल्तनत तुम्हारी। सलाम अलैकुम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना वरिष्ठों के मार्गदर्शन के ये सभा अधूरी रहेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं आवाज दूं, उसके पहले हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय मुकेश नायक जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे मीडिया सेल के प्रभारी और पूर्व मंत्री सम्मानीय मुकेश नायक जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय मित्तल जी, संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी भाई तरवर लोधी जी, यहां उपस्थित सभी कांग्रेस के भाई और बहनों और आदरणीय मंच, दमोह जैसा जिला जो पूरे बुंदेलखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु सदैव रहा है, आज इस जिले का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां राजनीति का मुद्दा होता है बिकाऊ और टिकाऊ। बताओ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, खेत खलिहान, किसान, ये मुद्दे नहीं है, मुद्दा है बिकाऊ और टिकाऊ। बताओ, एक बिकाऊ कांग्रेस पार्टी में भी आ गए थे जिनने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिराई थी, चंद्रमान लोधी जी, उनको भी दमोह की जनता ने सबक सिखाया। दो दो चुनाव उसके बाद वो लड़े, उनको जीतने नहीं दिया। ये राहुल लोधी जी क्या क्या 5 घंटे पहले बात कर रहे थे, हमारी विधायिका जी ने आपको बताया।
और 5 घंटे के बाद कैसा अद्भुत चमत्कार हुआ, 35 करोड़ रुपया का जादू कि पूरे बदल गए, विचार बदल गए, सिद्धांत बदल गए, पार्टी बदल गई। मैं बताऊं ये हिंडोरिया के परिवार के बारे में, जीतू भाई 1985 में मैं यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, ये राहुल के चाचा, ये लोग तो अभी नेतागिरी में आ गए, वो नेता थे इस परिवार में, हमारे प्रमुख प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया। और वोटिंग के एक दिन पहले बीजेपी को समर्थन दे दिया, मतदान के एक दिन पहले। तो ये पहली बार ये परिवार ऐसा नहीं कर रहा, इसके खून में मिलावट है, बेईमानी है। सुश्री उमा भारती जी का सम्मान करते हुए प्रद्युमन को कमलनाथ जी ने टिकट दे दी। हमारी पार्टी तो ऐसे ही उदारवादी लोगों की पार्टी है कि हम विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान करते हुए, भैया मुख्यमंत्री रही हैं, इतनी बड़ी नेता हैं, एक छोटी सी सिफारिश कर रही हैं, मान लो उनकी सिफारिश मान ली, और प्रद्युमन लोधी को बड़ा मर्यादा से टिकट दे दिया। जब बीजेपी में चले गए तो हम लोगों ने उमा दीदी को फोन किया तो वो कहने लगी वो तो हमारा भी फोन नहीं उठा रहा। हमारे जिले से संबंधित, हमारे देश से संबंधित, हमारे लोगों से संबंधित, हमारे कुल खानदान खेत खलिहान से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो इस चुनाव में होंगी और हम आगे करेंगे। बस मुझे आपसे केवल इतनी विनती करना है कि ये दमोह के नागरिक कभी भी अपने लोकतांत्रिक परंपराओं को कलंकित नहीं होने देते, और इसलिए आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह के बेईमान यहां पर चुनाव जीत गए हो। हमेशा जब इस तरह के प्रयास हुए हैं यहां की जनता ने उनको नकारा है, अस्वीकार किया है और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अब जैसे तैसे आपने लोग विधानसभा चुनाव में हराया था राहुल लोधी जी को, अब आप बताओ ये बीजेपी कहती है कि ये राष्ट्रभक्ति की टकसाल है, यहां राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, तरह तरह के नारे राष्ट्रभक्ति से संबंधित उस पार्टी में लगाए जाते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का विचार, उसकी प्रतिबद्धता, उसके मूल्य, उसकी सोच और उसकी समझ इतनी औसत तो होना ही चाहिए कि जिसको विधानसभा में लोगों ने नकार दिया, अस्वीकृत कर दिया, उसको जनता की छाती पर लोकसभा में थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको विधानसभा में योग्य नहीं समझा तो आप लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं? ये देखिए, ये जो एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति है जिस पर पूरे देश में बहस चल रही है कि अगर बीजेपी को आपने सीमित नहीं किया, बीजेपी को आपने चुनाव में नहीं हराया, तो इनकी जो एकाधिकारवाद की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो इस हद तक बढ़ रही है कि उन्हें अब जनभावनाओं की कोई चिंता नहीं रही, जनता की सोच की कोई चिंता नहीं रही, जनता की चाह की कोई चिंता नहीं रही कि जनभावनाएं कहां जा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एकाधिकारवाद और अधिनायकवाद का जो सिद्धांत है वो कहता है हम अपनी सोच, अपनी समझ, अपने सिद्धांत और विचार जनता पर हम जैसे चाहेंगे वैसे थोप देंगे, आप मानना हो मानो, नहीं मानना हो नहीं मानो। तो ये चुनाव बहुत गंभीर परिस्थितियों में हो रहा है और इसके बहुत बड़े बड़े परिणाम देश की जनता के सामने आएंगे, और इसलिए बहुत विवेक के साथ, बहुत समझ के साथ, अपने देश, अपने परिवार, समाज से प्रेम करते हुए आपको देश के हित में, उन्नति और प्रगति के हित में, आपके रोजगार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपकी उन्नत खेती के लिए और परस्पर भाईचारे के लिए और पूरे देश में एक मिलीजुली संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को बचाने के लिए आप बहुत गंभीरता से मतदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, अंतिम बात कहता हूं, जो हमारे बड़े भाई राजा पटेरिया जी ने कही कि पहली बार
25 साल के बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसे कार्यकर्ता को नेतृत्व करने का कांग्रेस का मौका मिला जिसके पिताजी विधायक नहीं थे, पार्षद नहीं थे, जिसके पिताजी धरती के रंग जैसे हैं और खेत और खलिहानों की मिट्टी और उनके शरीर से उसकी मेहनत उसकी सौंधी महक उनके शरीर से निकलती है। ऐसे किसान के बेटे हैं हमारे जीतू पटवारी जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, और जब ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व जाता है तो जो चिंता प्रकट की गई कि कार्यकर्ता का सम्मान अगर बना रहेगा तो पार्टी की शक्ति बनी रहेगी, पार्टी की उन्नति होगी, पार्टी आगे बढ़ेगी। तो अब स्वयं कार्यकर्ता के हाथ में कमान है तो कार्यकर्ता का सम्मान तो होना ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।